हेलो गाइज़, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो गाइज़, आज की इस वीडियो में मैं आपको लेकर आया हूँ शिवगढ़। यहाँ पर एक किला है, शिवगढ़ का किला कहते हैं उसे। तो वो किला मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा, और एक मंदिर भी है, तो वो सब मैं इस वीडियो में दिखाऊंगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको दिखाते हैं। ये जो सामने बना हुआ है, ये है महल का मेन गेट। चलते हैं महल के अंदर और आपको दिखाते हैं। बाहर से तो काफ़ी बड़ा महल लग रहा है, तो अंदर चल के दिखाते हैं। पहले यहाँ पर शिवगढ़ के राजा रहा करते थे, लेकिन अब ये महल फिल्मों की शूटिंग के लिए प्रयोग किया जाता है। यहाँ की लोकेशन की बात करें तो रायबरेली से लगभग 42 किलोमीटर की दूरी पर है, और लखनऊ से 70 किलोमीटर की दूरी पर है। ये काफ़ी अच्छा बना हुआ है, लेकिन यहाँ पर एक फिल्म की शूटिंग होने वाली है, तो इसीलिए अंदर जाने नहीं दे रहे हैं। तो मैं बाहर से जितना हो सकता है उतना दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पर काफ़ी सारी मूवीज़ और वेब सीरीज़, भोजपुरी गाने मूवी की शूटिंग हुई है। जैसे एक मूवी थी रेड, मूवी थी सत्यमेव जयते हो गई। रेड जो थी वो अजय देवगन सर की थी, और सत्यमेव जयते जॉन अब्राहम सर की थी। तो यहीं पर थोड़ा बहुत शूट हुआ था उसका। अगर आप रायबरेली से हैं तो आप यहाँ एक बार ज़रूर आएँ, आप चेक करके जाओ। काफ़ी अच्छा बना हुआ है महल, लेकिन आप ये चीज़ ज़रूर देख के आना कि कब फिल्म की शूटिंग हो रही है कब नहीं हो रही है, ये पता कर लीजिएगा आप लोग। नहीं तो आप लोग भी मेरी तरह आएंगे और चले जाएंगे यहाँ से। रेड मूवी का एक सीन मैं बाहर चल के आपको दिखाता हूँ, और काफ़ी सारे सीन थे, लेकिन जब नई मूवी बनने लगती है तो पुराने वाले को हटा दिया जाता है, नए तरीके से बनाया जाता है। तो चलते हैं दिखाते हैं आपको। यहाँ पे कुछ शूटिंग चल रही है, तो इसलिए बता रहे हैं कि यहाँ पर अंदर अलाउ नहीं है। तो हो सकता है कभी और आए तो मैं उसको आपको दिखाऊंगा। और हमारे साथ आज आए हैं रायबरेली के ब्लॉगर भैया। हेलो गाइस, क्या हाल चाल हैं आप सबके? और काफ़ी लोग तो हमें जानते होंगे, अगर आपने कभी नोमैडिक सचिन चैनल की वीडियो देखा होगा तो आपको पता ही होगा। और ये वैभव भाई हैं, तो दोनों लोग अभी आए थे। ये सडनली ट्रिप प्लान हो गई थी, तो हमने सोचा कि चलो काफ़ी दिन हो गए शिवगढ़ की तरफ गए हुए। तो आई होप ये ब्लॉग भाई का आपको पसंद आया होगा, और भाई को भी ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करो। तो बस, तो भाई का चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। 43,000 सब्सक्राइबर हैं, आप भी सब्सक्राइब करना उसको जाके। जो सीन मैं आपको बता रहा था वो ये रोड का सीन है, मैं स्क्रीनशॉट लगा दूँगा, आप लोग वहाँ से देख लीजिएगा। ये जो रोड है यहीं पर वो सीन लिया गया था। महल के अंदर तो मैंने आपको दिखा दिया, उसके बगल थोड़ा बहुत बना हुआ है, तो वो चल के मैं आपको दिखाता हूँ। इधर से गेट है, तो चलते हैं आगे। ये जो सामने आप लोग देख रहे हैं, ये एक छात्रावास है, इसमें भी कुछ शूटिंग वगैरह होती है जब काम रहता है। तो मौसम देखिए आप लोग, काफ़ी अच्छा हो गया है। अभी तक काफ़ी तेज़ धूप थी, लेकिन अब ठीक है। ये जो कॉलेज आप लोग देख रहे हैं, यहाँ पर जब सत्यमेव जयते मूवी की शूटिंग हुई थी तो इसे जेल के रूप में बनाया गया था, और ये कॉलेज यहाँ भी एक बना हुआ है, यहाँ शिफ्ट हो जाता है। ये उसी कॉलेज का हॉस्टल है, इसे तो मैंने आपको दिखा दिया, ये पीछे से बना हुआ है इस तरह का। छात्रावास का कुछ हिस्सा यहाँ पर भी बना है, और आप लोग पीछे देखिए मंदिर बना है। तो चलते हैं मंदिर पर और आपको दर्शन कराते हैं। महल दिखाने के बाद मैं आपको लेकर आया हूँ, यहाँ पर एक काफ़ी अच्छा मंदिर बना हुआ है, तो ये मंदिर आपको दिखाते हैं। ये जो मंदिर है वो काफ़ी खूबसूरत लग रहा है, आप लोग देखिए वहाँ पर 3-4 मंदिर बने हुए हैं, और यहाँ पर भी एक छोटा सा मंदिर है, काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। तो चलेंगे मंदिर के अंदर और आपको दिखाएँगे। और यहाँ पर देखिए, यहाँ मार्केट भी लगी है। तो अब चलते हैं इस मंदिर के अंदर। ये जो मंदिर है वो शिव जी का मंदिर है, काफ़ी अच्छा मंदिर है। तो चलते हैं इसके अंदर, ले चलता हूँ और आपको दिखाता हूँ।
सो गाइज वीडियो को करते हैं एंड। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।